Good morning, students. How are you? I hope you are all fine and enjoyed your weekend. Now it's time to study. Take out your assistive book, class 1, and take out unit number 2. Today we are going to do unit number 2. Write date and day on page number 3. Today is 8/6/2020, classwork, and the day is Monday. M-O-N-D-A-Y day. Monday. And the name of the unit is My Family. What is the name of the unit? My Family. I'm going to read this lesson for you and you have to underline the difficult words and repeat with me 3 times. People who live together in a house are a family. People, underline people and repeat with me. People, people, people. Who live, L-I-V-E, live together. Together एक बड़ा वर्ड है, इसको हम हाफ करके पढ़ते हैं. T-O-2-G-E-T-H-E-R, together. T-O-2-G-E-T-H-E-R, together. In a house, H-O-U-S-E, house, are a family. ठीक है, people means लोग. People, लोग. People क्या होते हैं? लोग. Who live? Live मतलब रहना. Live means रहना. Together. Together means इकट्ठे या एक साथ. इस तरह ये देखें. Picture है, उसमें सारे एक साथ खड़े हैं. ठीक है? Together means एक साथ या इकट्ठे. In a house. House means घर जहाँ आप लोग रहते हैं. House means घर. Are a family. Family means खानदान. Family means खानदान. People who live together in a house are a family. People, लोग, live, रहना, together, एक साथ, house, घर. वो लोग जो एक साथ एक घर में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं family. वो लोग जो एक साथ एक घर में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं family. My family name is, मेरी फैमिली का क्या नाम है? मैंने यहाँ अपने फादर का नाम लिखा है, जो कि क्या है? मोहम्मद अशरफ. आपके फादर का जो नाम है आप वो यहाँ लिखेंगे. ठीक है, My father name is, अब मैंने यहाँ अपने फादर का नाम लिखा है. ठीक है, आप लोग अपने फादर का नाम लिखिएगा और उनका फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या रखिएगा? कैपिटल. उसके बाद आप लिखेंगे My mother name is dash. My mother means मेरी मामा. मदर का क्या नाम है? इरशाद. और उनका फर्स्ट वर्ड भी मैंने क्या रखा है? कैपिटल. आई हैव डैश ब्रदर्स. ब्रदर्स, ब्रदर्स, ब्रदर्स मीन्स भाई. आपके कितने भाई हैं? आपने यहाँ लिख दिए, मैंने यहाँ 3 लिखा है. अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं? एन ओ नो. आई हैव डैश सिस्टर्स. मेरी कितनी बहनें हैं? सिस्टर्स मीन्स बहनें. आपने जितनी भी हैं आपने यहाँ लिखते नहीं है, जिस तरह मैंने यहाँ 2 लिखा. ओके, These people live with me in my home. Home का मतलब कि भी क्या है? घर. They are my family. अब आ जाते हैं, हमने सबसे पहले फैमिली का नाम लिखा, फादर का नेम लिखा, मदर का नेम आपने लिखना है, फर्स्ट वर्ड उनकी क्या रखने हैं? कैपिटल. बहन भाई कितने हैं वो लिखना है, बहन कितनी है वो लिखना है. These people live with me in my home. People means लोग. ये वो लोग हैं जो मेरे साथ घर में रहते हैं. आपने अपने आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं आपके साथ, आपने उनके नाम इसमें लिख देने हैं. और फर्स्ट वर्ड क्या रखना है? कैपिटल. सबसे पहले मैं लिखूंगी मेरे साथ रहते हैं मेरे फादर. मैं फादर का नाम भी लिख सकती हूँ. मेरे साथ रहती हैं मेरी मदर, मेरे भाई. ठीक है, भाई मीन्स ब्रदर. आप ब्रदर के नाम भी लिख सकते हैं. सिस्टर, सिस्टर का नाम लिख दें बेशक आप. और मेरे साथ रहती हैं ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर मीन्स मेरी दादी. ठीक है, आपके घर में आपके साथ जो रहता है आपने उसका नाम यहाँ लिख देना है. ये मेरी क्या है? फैमिली. क्योंकि फैमिली क्या है? वो लोग जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं इकट्ठे. ठीक है, ये एक क्या है? फैमिली. ये क्या है? एक फैमिली. फैमिली में कौन कौन है? फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर. सपोज करें ये मैं हूँ, तो ये मेरी एक क्या है? फैमिली, जिसमें मेरे बहन, भाई, फादर एंड मदर हैं. और ये सब कहाँ रहते हैं? एक साथ एक घर में. जो लोग एक साथ एक घर में रहते हैं उसे हम कहते हैं फैमिली. फैमिली मीन्स खानदान. फैमिली मीन्स खानदान.
फैमिली में कौन कौन आता है, आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, या अगर आप लोग ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, उसमें आप लोगों के साथ आपके दादा या दादी भी रहते हैं, कुछ के उनके साथ अंकल आंटी यानी चचा वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो आपके साथ एक घर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फैमिली। और माय फैमिली मींस मेरा ख़ानदान, यानी वो लोग जो मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं, एंड फैमिली मींस ख़ानदान। आप लोगों ने इस पेज को एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने लिखना है, लेकिन आपने फ़र्क क्या है कि इसमें आपने अपने फादर का नाम, मदर का नाम, फैमिली का नेम, बहन भाई कितने हैं वो लिखने हैं। अब मेरे साथ मेरे घर में ये लोग रहते हैं, लेकिन आपके साथ आपके घर में कौन कौन रहता है आपने अब उनका नाम यहाँ लिख के ये पेज क्या कर देना आज के लिए कंप्लीट। सो आज हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ माय फैमिली, नेम ऑफ द यूनिट इज़ माय फैमिली। डिफिकल्ट वर्ड्स आर पीपल, 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 लिव, 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 टुगेदर, टुगेदर, together, house, 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 family, 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 fathers, mothers, brothers, sisters, okay, then Allah Hafiz and take care of yourself, or इस पेज को आप खुद फिल कर लीजिएगा, okay, if you have any problem, you can contact me.